Hello everyone, welcome back to SSC Mathon और RRB NTPC Group D के लिए ये क्वेश्चन SSC CHSL 2011 में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है. The current of a stream runs at the rate of 4 km an hour, a boat goes 6 km and comes back to the starting point in 2 hours. The speed of the boat in the still water. कैसे आ जाएगा सर? सर हम लोग बोट के स्पीड पकड़ लेते x, ठीक है? तो कितने में गया था? सर 6 किलोमीटर गया था. सर 6 किलोमीटर गया था अपस्ट्रीम में गया सर x प्लस 4. अब डाउनस्ट्रीम में आया सर x माइनस 4, 6 बटा x माइनस 4. टोटल टाइम कितना लगा? जोड़ दिए तो इक्वल्स टू 2 दिया था. बस खत्म का नहीं, 2 3 6 और इधर भी 3 कर देते हैं तो 3 कॉमन ले लेते तो कितना होता है? x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 उधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? x स्क्वायर माइनस 4 4 16. तो यहाँ से आ जा रहा है x स्क्वायर माइनस, इधर होता है 4 4 कट गया, 3 2 6 6 x उधर लेके चल जा रहे हैं, इसीलिए माइनस 16 इक्वल्स टू 0. तो इधर होता है माइनस 8 x प्लस 2 x, तो कितना आ जा रहा है? x माइनस 8 एक फैक्टर और x प्लस 2 एक फैक्टर, क्योंकि x प्लस 2 जीरो नहीं हो सकता, मतलब x के वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा बोट के स्पीड इन द स्टील वाटर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास.